हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रहे हमारे नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वाओ मैन, वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत प्यारी व्यू थी यहाँ की। मतलब बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कोई भी यहाँ बैठेगा ना, उसको इतना सुकून भरा पल मिला मुझे यहाँ बैठ के। बहुत प्यारे से, बहुत प्यारा सा व्यू था। तो आप भी व्यू के मजे लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मुझे लगा आपके साथ ये सब चीजें शेयर करनी चाहिए, बहुत ही प्यारा था। तो आप लोग भी निर्मला भैया के दर्शन कर लीजिए और बहुत सुंदर प्यारा सा नजारा देखिए। मैं बहुत डुबकी मार मार के, मतलब नहाने में इतने मगन थे सब लोग, बहुत मजे कर रहे थे। सब नहा रहे थे उधर, देखिए पूरे गंगा जी में सब लोग नहा रहे। मुझे थोड़ा सा नहाने सा एजिटेशन होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा कपड़े उपड़े चेंज करने को अच्छा नहीं लगता, इसलिए जगह नहीं रहती है, इसलिए मैं नहीं नहाती। और बहुत पानी ठंडा था, सच्चाई यही थी कि ठंडी पानी से मेरे को और भी डर लगता है, मैं नहीं नहाती हूँ। बस पाँव धो लिया, वहीं पे बैठ रही, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने कुछ नहीं किया, बस बैठी आराम से और चल ली वहां से वीडियोज बना के, क्योंकि मुझे बहुत पानी ठंडा लग रहा था, मैं तो नहा ही नहीं सकती थी वहां पे। यहाँ एक बाबा सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब लोग अर्घ दे रहे हैं। टाइम था अर्घ का, सूर्य देवता का अर्घ दे रहे हैं। इतना प्यारा सा व्यू था यार, मतलब मैं क्या बताऊँ। हमारे इंडिया में ये सब चीज़ों को प्रमोट ही नहीं लोग करते हैं। ये अंदर से गंगा जी थी, हर की पौड़ी सब जानते हैं, वहाँ इतनी भीड़ रहती है, यहाँ कोई भीड़ नहीं, इतना सुकून था। इक्की दुक्के लोग थे, बहुत सारे कम लोग थे, बहुत कम लोग थे और बहुत अच्छा था। भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी, बहुत सुकून से आप नहाओ और चल लो वहाँ से। बहुत प्यारा सा व्यू था वहाँ पे, और सब नहा के वहाँ से निकल ले रहे थे छुटपुट ऐसे। इधर कम जानते हैं, अंदर अंदर ही गंगा जी थी, पता नहीं नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अंदर ही था। कोई पंडित जी हम लोग को लेके गए थे वहाँ पे गंगा जी के पास, मतलब ये गंगा जी के पास। देख रहे हैं बिल्कुल भीड़ नहीं है। और हरिद्वार मेन हर की पौड़ी में वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, मतलब ऐसा ही कि आप संभालना मुश्किल हो जाता है लोगों को। तो वो था, लेकिन यहाँ इतनी मुझे शांति लगी, कोई नहीं, ज़्यादा लोग थे, आराम से अपना नहा रहे थे और चले जा रहे थे अपने। तो ये वहाँ से बहुत नज़दीक था, शांति कुंज से बहुत नज़दीक था, अंदर ही अंदर था, शांति कुंज से 1 किलोमीटर था। सो एक जगह और था, ये यहाँ पे भी हस्बैंड लोग गए थे, सब लोग लड़के घूमने गए थे ऐसे ही। यहाँ का अलग ही व्यू था, ये कुछ उसी नदी से जो हम अभी रिकॉर्ड किए थे, उसी से वहां से थोड़े सा हटके था, वहां से जहां से ये निकलती है वहां पे गए थे वो लोग। तो यहाँ वहां से रिकॉर्ड करके लाए थे, हम नहीं गए थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरे पत्थर पत्थर, इतने सुंदर पत्थर पत्थर थे। और वहां पे पानी था, पानी कम था यहाँ पे, पत्थर ज्यादा थे। तो ये यहाँ फोटोशूट के लिए बहुत प्यारी सी जगह थी, अगर आपको फोटोशूट वगैरह करवाना है, फोटोज लेने, उसके लिए बहुत अच्छी सीनरी थी, बहुत अच्छा फोटो आएगा यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा था। नहाने के लिए यहाँ पे कम पानी था, यहाँ बस घूमने फिरने आ सकते हो। देखो पीछे कितने सारे पहाड़, ग्रीनरी, ये सब बहुत है, उसके लिए ये बहुत सही है। तो ये जगह थी एक। मैंने कोशिश किया है आप लोग के साथ सारी चीजें कवर करने के लिए। यहाँ का पानी में धार बहुत ज्यादा है ना, धार है और ठंड भी है, ठंड तो हर जगह एक बराबर ही होगी। बर्फ से पिघल के आता है पानी, और हम लोग निकल निकाल रहे हैं। इसीलिए तो उधर निकाल रहे हैं कि कोई जाएगा नहीं नहाने। यार पत्थर देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे से हैं, वो जो और कितने चिकने चिकने हैं, और इतना चिकना पत्थर यहाँ पे। भाई इसकी जूम क्वालिटी गजब है, जाएगा
बाय बाय। वहां दिख रहे हो वहां का पानी जहां से गिर रहा है उसमें फोटो खिंचवाया था, बहुत सही यार पानी का था। मैं हरिद्वार में पहली बार गंगा जी आई हूँ। इससे पहले नहीं आए थे? नहीं नहीं, उस टाइम आई थी तो वहाँ हर की पौड़ी है ना, वहाँ पे गई थी। देख रहे हो हमारे इंडिया में नेचुरल ब्यूटी कम है, दूसरे जगह से यहाँ वही ना सफाई प्रमोट ही नहीं कर पाते। अब हरिद्वार सिर्फ इसलिए आते हैं लोग कि भक्ति करने के लिए, उनको टूरिस्ट प्लस पता ही नहीं है। इतने सुंदर सुंदर अंदर अंदर जगह हैं, वही ना वहाँ का क्या व्यू था यार, मतलब ये देखो सिंधी। हाँ बहुत अच्छा, रवि ने एक फोटो लिया था, बहुत खेत है पूरा गोभी का, देख रहे हो। ये गुलर का पेड़ है ना भैया? नहीं, हाँ गुलर बोलते हैं, नहीं गुलर नहीं, ये पकड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पकड़ी पकड़ने आपके यहाँ क्या बोलते हैं? बर्ड का पेड़, बर्ड। हाँ हाँ, ओ वट सावित्री के दिन पूजा होता है ना। वाह हरियाली देखो कैमरा में तो अलग ही आ रहा है, मतलब सही में मंदिर पानी देखते चुकू को समझ में आ गया मैं पटकना हुआ आ जाएगा। अगर सरकार कोई काम करती है तो काउंटर लगा देती है।
आपसे कुछ ही समय पश्चात माँ गंगा की दिव्य आरती का दर्शन आप सभी श्रद्धालु भक्तगण करेंगे। आइए उससे पूर्व हम सभी मिलकर कुछ क्षणों के लिए माँ गंगा का नाम संकीर्तन।